समय की बात है, एक व्यापारी के घर में चोरी हो जाती है। उसके पास जितना भी पैसा होता सारा चोरी हो जाता है। भाई पहले के लोग बैंक में तो पैसे रखते नहीं थे, तो जो भी उसके पास पैसा था सारा चोरी हो गया। अब वो सोचता है व्यापारी कि मैं व्यापार करूंगा कैसे, अब तो मेरे पास व्यापार के लिए पैसा ही नहीं है। अब पैसा होता नहीं है, धीरे धीरे जरूरतें सामने आने लगती हैं और जो घर का सामान भी होता है वो भी बिकना शुरू हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। अब उस व्यापारी की वाइफ उसे बोलती है कि आप राजा के पास जाइए, राजा ही आपकी मदद करेंगे, अब आप हमारी मदद कोई और कर ही नहीं सकता। तो वो जो व्यापारी होता है बहुत समझदार होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसे गाना गाना भी बहुत अच्छा आता है। तो वो राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा को ऐसे ऐसे भजन सुनाता है, ऐसे ऐसे गाने सुनाता है कि राजा बहुत खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और बोलता है कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अब व्यापारी बहुत समझदार होता है, व्यापारी पहले राजा को बोलता है कि अगर आप मुझसे सच में खुश हुए ही हैं तो क्या आप मुझे 1,00,000 सोने के सिक्के दे सकते हैं। अब राजा बोलता है पागल हो गए हो, तुमने मुझे गाना ही तो सुनाया, गाने गाने के कौन भाई 1,00,000 सिक्के लेके जाता है। पूरा दरबार उस आदमी पे हंस रहा होता है। अब वो व्यापारी इस बात से नाखुश हो जाता है। अब वो राजा को बोलता है कि महाराज आप इतने बड़े राजा हैं, क्या आपके पास शतरंज है। अब राजा हंसने लगता है, कहता हमारे पास शतरंज क्यों नहीं होगा। अपने मंत्री को बोलता है और 1 मिनट में शतरंज सामने आ जाता है। अब वो व्यापारी बोलता है महाराज आप मुझे 1,00,000 सोने के सिक्के मत दीजिए, आप मुझे सिर्फ 1 सोने का सिक्का दे सकते हैं। राजा बोलता है सिर्फ 1। अब वो हंसने लग जाता है राजा की 1 सिक्का मांग रहा है, पर वो व्यापारी बोलता है महाराज ऐसे नहीं, ये शतरंज आपके सामने है, इसमें 64 खाने हैं, मैं चाहता हूं आप इतने बड़े राजा हैं आप मुझे 1 सोने का सिक्का आज दीजिए, मैं 1 ही लेकर जाऊंगा, पर कल मैं दोबारा आऊंगा और मैं 64 दिन तक रोज आऊंगा आपके दरबार में, मैं चाहता हूं बस आप मुझे आज जितने सिक्के दे रहे हैं कल उसका डबल दे दीजिएगा। आज आप 1 दे रहे हैं, कल आप मुझे 2 सोने के सिक्के दे दीजिएगा, उसके बाद 4, इस तरीके से 8, इस तरीके से मैं रोज आपकी शतरंज पे एक कांटा लगा के चला जाऊंगा, एक क्रॉस बना के चला जाऊंगा, और जिस दिन 64 दिन हो जाएंगे मुझे लगेगा मेरा मुझे इनाम मिल गया, इसके अलावा मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आप इतने बड़े राजा हैं इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। अब राजा अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाता, राजा कहता है 64 खाने हैं, 1 सिक्का आज मांग रहा है कल 2 ले जाएगा, कितनी ले जाएगा। अपने महामंत्री को बोलता है महामंत्री इस व्यापारी को रोज आप सिक्का देंगे, आज अभी इसे 1 सिक्का दे दीजिए सोने का, ये कल फिर आएगा मुझसे बिना पूछे इसे रोज डबल करके सोने के सिक्के दे देना। अब इसी तरीके से रोज व्यापारी दरबार में पहुंचता है, महाराज से नहीं मिलता, महामंत्री उसे अपने आप ही डबल करके सोने के सिक्के दे देता है। तो पहले दिन तो उसे जहां पे 1 सोने का सिक्का मिलता है, दूसरे दिन मिलते हैं 2, पर 23वें दिन कुछ ऐसा होता है कि राजा भी घबरा जाता है, महामंत्री भागा भागा राजा के पास आता है और बिल्कुल पसीना टपक रहा है, घबराया हुआ है महामंत्री और उससे बोला नहीं जा रहा। अब राजा बोलता है हुआ क्या है महामंत्री, मेरे सामने ऐसे क्यों आए हो, किसी ने हमला बोल दिया क्या हमारे ऊपर, क्या हुआ क्या है मुझे बताओ। महामंत्री बोलता है महाराज हमारा पूरा महाकोश खाली हो गया, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, सब लुट गया, सब चला गया। राजा बोलता है पागल हो गए हो, किसने चुराया, किसने हमारी सारी संपत्ति ले ली, हमारा सारा सोना कहां गया। वो महामंत्री बोलता है महाराज आपको याद है वो व्यापारी जो 23 दिन पहले दरबार में आया था, उसने हमारे साथ एक साजिश करी है, हमारे सारे सिक्के वो लेके जा चुका है, आज ही मैंने उसे 41,94,304 सिक्के दिए। राजा कहता है पागल हो गए हो, तुमने किससे पूछ के उसे 41,94,304 सिक्के दे दिए, इतने थोड़ी देने थे उसे। महामंत्री बोलता है महाराज आपको अपना वचन याद नहीं, आपने बोला था मुझसे बिना पूछे ही उसे हर रोज डबल करके सोने के सिक्के दे देना। महामंत्री बोलता है मैंने बिल्कुल वैसे ही किया महाराज, मैंने उसे पहले दिन 1 सिक्का दिया था, दूसरे दिन 2 दिए, तीसरे दिन 4 दिए, चौथे दिन 8 दिए, पांचवें दिन 16 दिए, 8वें दिन तक 128 सिक्के दिए थे। तो राजा बोलता है बाकी के कहां गए। महामंत्री बोलता है महाराज आगे तो सुनिए, 9वें दिन तक उसे 256 सिक्के गए थे, बट 16वें दिन तक उसे 32,000 से ज्यादा सिक्के चले गए, इसी तरीके से 17वें दिन 65,000 से ज्यादा मैंने उसे दिए, उसके बाद डबल होना शुरू हो गया महाराज, 18वें दिन तक मुझे लगा है बहुत सारे सोने के सिक्के लेके जा रहा है क्योंकि 1,31,000 से ज्यादा सिक्के मैंने उसे दिए थे,
पर उसके बाद 19वें दिन 2 लाख से ऊपर, 20वें दिन 5 लाख से ऊपर, 21वें दिन 10 लाख से ऊपर और 22वें दिन 20 लाख से ऊपर, 20 लाख सोने के सिक्के तक मुझे लगा हमारे पास है अभी राजकोष में, बहुत पैसा होगा। बट आज मैंने जब उसे 41 लाख से ज्यादा सिक्के दिए, मैंने देखा अब राजकोष में कुछ नहीं बचा और इसीलिए मैं आपके सामने आया हूं। अब अगले दिन वो हमसे 83 लाख से ज्यादा सिक्के लेने आ रहा है। महाराज इतना पैसा, इतने सिक्के हम कहां से लेकर आएंगे? अब राजा को समझ नहीं आता उसके साथ हुआ क्या है, पूरी रात राजा को नींद नहीं आती। अब अगले दिन जब दरबार में वो व्यापारी आता है, राजा अपना सिंहासन छोड़ता है और उस व्यापारी के पैरों में गिर जाता है। बोलता है कि मैंने आपको सबके सामने वचन दिया था कि मैं हर रोज 64 दिन तक आपको पैसा डबल करके दूंगा, पर मुझे नहीं पता था उस दिन दरबार में जिस दिन आपने मुझसे 1 लाख सिक्के मांगे थे इतनी बड़ी भूल हो गई। मुझे उस दिन आपको 1 लाख सिक्के दे देने चाहिए थे, मुझे नहीं पता था आप इतने बड़े ज्ञानी हैं। आपने 64 दिन तक ये बोला कि आप मुझे सिर्फ डबल करके दे दीजिए 1 सिक्का, और मुझे लगा आप कितने सिक्के मुझसे ले जाएंगे। और कल मेरे महामंत्री ने बताया कि हमारा पूरा राजकोष खाली हो गया है, अब हमारे पास इस सिंहासन के अलावा आपको देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पूरे राज्य में इतने सिक्के नहीं है सोने के, तो आप मेरा सिंहासन ग्रहण करें। देखिए ये तो एक कहानी थी जिसमें राजा को पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं पता थी और उस व्यापारी को, उस बिजनेसमैन को पावर ऑफ कंपाउंडिंग पता थी। एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग से एक सोने का सिक्का 23वें दिन तक 41,94,304 बन सकता है। आप जरा सोचिए, अगर ये 1 रुपया होता तो 23वें दिन 41 लाख से ज्यादा हो सकता है। बट अगर आज ये आपको कोई बोले कि आज आप मुझसे 10 लाख रुपए ले लो, या फिर हर रोज मैं आपको 64 दिन के लिए 1 रुपया मल्टीप्लाई करके देता रहूंगा, डबल करके देता रहूंगा, तो आप क्या चूज करेंगे? आपका लग रहा होगा कि आप तो अब 1 रुपये को ही चूज करेंगे कि हर रोज डबल करके मिले, बट ऐसा नहीं है। जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे थे, इस वीडियो को शूट करने से पहले ये सेम सवाल मैंने अपने कैमरामैन से पूछा और उन्होंने बोला सर मैं तो 10 लाख रुपए को चूज करूंगा, क्योंकि कितना ही हो जाएगा भाई, 64 दिन तक कितना ही हो जाएगा, आप मुझे जरा नीचे कॉमेंट में बताइएगा। अगर वो व्यापारी राजा से 64 दिन तक सिक्के लेता तो कितने सिक्के उस राजा को, उस व्यापारी को देने पड़ते, आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब जैसे मैंने बोला कि भाई ये तो एक कहानी थी, रियल लाइफ में ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है इसे समझते हैं। देखिए यहां पे क्या है, जब 1 का 2 हो रहा है तो ऑलमोस्ट 100% की रिटर्न्स मिल रही है। अब ये 100% की रिटर्न्स हर दिन नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिलती, वरना हर कोई अंबानी बन जाएगा। बट बात यह है कि अगर आज आपने इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझा, लेट मी टेल यू वन थिंग, योर लाइफ इज गोना चेंज फॉर एवर, आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। लेट मी टेल यू व्हाई। देखिए अगर हम रूल ऑफ 72 की बात करें, अब आप में से ज्यादातर लोगों को रूल ऑफ 72 पता होगा, कम से कम उन लोगों को तो जरूर पता होगा जो हमारी रेगुलर वीडियोज देखते हैं। तो रूल ऑफ 72 क्या कहता है कि भैया आपको जो भी रिटर्न मिल रही है साल की, मान लेते हैं आपको सिर्फ 12% की रिटर्न मिलती है, तो आप उसे 72 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा कि कितने साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। तो 6 साल में आपका पैसा मान लेते हैं डबल हो रहा है, वहां पे 1 दिन में हो रहा था, यहां पे 6 साल में हो रहा है। मैं 6 साल का एग्जांपल लेता हूं कि आज एक आदमी के पास, उसने काफी पैसा कमाया और उसने 1 करोड़ रुपए को कंपाउंडिंग पे लगा दिया, तो 1 का 2 करोड़ रुपए होगा, 2 का 4 करोड़ रुपए होगा, 4 का 8 करोड़ भी होगा और 8 का 16 करोड़ रुपए भी होगा। बट अब बात आती है कितने टाइम में, यहां पे 6 साल में हो रहा था, 6 ईयर्स में, ठीक है जी, हमने रूल ऑफ 72 के हिसाब से समझ लिया, ये 12 साल हो गए, यहां पे 18 साल हो गए और यहां पे 24 साल हो गए। अब आप कहेंगे 24 साल में जाके सर ये 16 करोड़ रुपए हो रहा है, 1 करोड़ का 16 गुना हो रहा है 24 साल में 12% के रिटर्न के हिसाब से। बट भाई मेरा एक सवाल है आपसे, ये मैंने 12% ना ऐसे ही लिख तो दिया आपको, बट आप मुझे बताइए आपको आज आपके पास पैसा है, ये हम मान के चल रहे हैं 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ नहीं है, 1 लाख है, जो भी आपके पास है, आपको 12% की रिटर्न्स मिल कहाँ से रही है? बैंक में पैसा रखोगे, बैंक में तो आपको 3% की रिटर्न दे रहा है,
अगर आप बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, अगर आप एफडी भी करा लेते हैं तो कितना, 5-6% का रिटर्न दे रहा है। एंड आई एम सॉरी टू से डियर, 6% 5-6% तो इन्फ्लेशन ही बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई। तो अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं 3% के हिसाब से, तो आप लॉस में जा रहे हैं, आप नेगेटिव में जा रहे हैं। कंपाउंडिंग नेगेटिव में काम करेगी और आपको साल बाद देखेंगे कि आप गरीब होते जा रहे हैं, अमीर नहीं हो रहे। अगर आप एफडी में पैसा रखते हैं 5-6% तो पैसा बढ़ कहाँ रहा है, जितना रखा है उतना उस पर जंग लग रहा है, इन्फ्लेशन महंगाई आ रही है और आपको उतना रिटर्न मिल रहा है। तो एफडी कुछ नहीं है, एफडी तो बस ये है कि आपका ना पैसा बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। बट फिर क्या करें, व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को समझ सकते हैं। देखो हमने एफडी को तो यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया, बहुत सारे लोग एफडी कराते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन समझते हैं लोग कि हम गोल्ड खरीद के रख लेंगे। चलो जहाँ पे आपको 5-6% की रिटर्न मिल रही है, यहाँ पे आपको 9-10% की रिटर्न मिल जाएगी। लोग और क्या करते हैं जब उनके पास पैसा आ जाता है, रियल स्टेट, वो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहली बात तो आप 10-20 हज़ार से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते रियल स्टेट में, आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। तो यहाँ पे जिनके पास स्मॉल कैपिटल है वो तो आ ही नहीं सकते। मैं रिटर्न्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि रियल स्टेट में अच्छी रिटर्न्स मिलती है, नो डाउट अबाउट दैट। डिपेंडिंग आप क्या खरीद रहे हो, कहाँ खरीद रहे हो, एंड खासकर लैंड में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको डेप्रिसिएशन तो होता नहीं है उसमें, आपको एप्रिसिएशन ही होना है। बट बात ये आती है क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है तो रियल स्टेट में पैसा बढ़ेगा, बट अगर कैपिटल स्मॉल है तो यू आर आउट ऑफ द गेम। देन लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में भी लोग किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट लेते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, वो डेट म्यूचुअल फंड्स भी रह सकते हैं सेफ साइड के लिए। अब इक्विटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे इस इक्विटी को मैं समझा देता हूँ, क्योंकि आप अगर म्यूचुअल फंड्स में जाओगे, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में आपको 15% से ज़्यादा की भी रिटर्न मिल सकती है, जो हम अभी 12% की बात कर रहे थे। अब ये इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट। अब आपको लग रहा होगा शेयर मार्केट तो बड़ा रिस्की है, देखो रियल लाइफ में कंपाउंडिंग कैसे काम करता है भी बताऊंगा। अगर आपने कोरोना वायरस से पहले किसी भी अच्छी कंपनी के शेयर खरीदे होते तो कम से कम मरे से मरा आपका पैसा डबल तो हो ही चुका होता। ऐसी भी कुछ कंपनीज हैं जिसमें कोरोना के बाद अभी तक, लॉकडाउन के बाद की बात कर रहा हूँ, 10 गुना पैसा बढ़ चुका है। कितने टाइम पीरियड में, बहुत ही कम टाइम पीरियड में। अगर कोई इस मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट को कंटिन्यू रखे तो कितना पैसा कमा सकता है, ऐसा नहीं कह रहा मैं हर बार 10 गुना होगा, बट ऑन एन एवरेज अगर आप अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये 15% छोड़ो, आप 18% से ऊपर की रिटर्न्स ईजी ला सकते हो, ईजिली लेकर आ सकते हो ये, अगर आप अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब 18% की रिटर्न इन्वेस्टर्स के लिए है, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो ट्रेड कर रहे होते हैं, वो दिन का चाहते हैं कि हमें ज़्यादा नहीं 1-3% की रिटर्न मिल जाए। मैं नहीं कहता उन्हें रोज़ मिलती है, बट मान के चलते हैं अगर उन्हें 2% की रिटर्न मिल जाती है ट्रेड करते हुए, अब वो ट्रेडिंग कैसे है विल टॉक अबाउट दैट, पर ट्रेड करते 2% की रिटर्न है, 30 दिन तो शेयर मार्केट खुलता नहीं है, 30 में से आप मान लो 10 दिन बंद रहता है, तो 20 दिन ट्रेड करके 40% की रिटर्न। अब कहेगा कोई आदमी ये बिल्कुल बेवकूफ़ वाली बात है, 40% की रिटर्न कौन किसकी कैपिटल पे ला रहा है, कंपाउंडिंग काम करेगी तो फिर क्या होगा, वो मुकेश अंबानी बन जाएगा भैया, क्योंकि कंपाउंडिंग काम करेगी। मैं कह रहा हूँ ये 40% के रिटर्न लोग टारगेट लेके चलते हैं कि हमें आए, सबको नहीं आती, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज परफेक्ट एवरी टाइम, ऐसा नहीं होता हर बार ट्रेड किया हर बार प्रॉफिट हुआ, बट यस देयर आर पीपल जो ईजिली अपनी कैपिटल के ऊपर 10-15% की रिटर्न साल की नहीं महीने की भी लेकर आ रहे हैं।